हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कुशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी फिर से स्वागत करता हूं आपका कुशल इंस्टीट्यूट में। आज की जो पढ़ाई है हमारे सीक्वल को आगे बढ़ा रही है। सीक्वल हमारा क्या चल रहा है सबको पता ही है, पिछले वीडियो ध्यान से देखे होंगे सबने, नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। ये जो पार्ट चल रहा है इसके पहले के जितने भी पार्ट्स बने वो देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि हमारा सीक्वल चल रहा है। सीक्वल का नाम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। हम लोग सीख रहे हैं किसके बारे में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के बारे में। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में हमने दो फॉर्मेट पढ़ लिए डिटेल, थोड़ा बहुत कुछ बचा है वो टेक्स्ट बुक से या जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो हमने इन डिटेल सब सीखा है तो हमने दो फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा। कौन से दो फॉर्मेट बोलिए? ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज हम पढ़ेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट जो आप लोगों को 11th में नहीं था। FYGC में आप लोगों को सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट था। सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट में आपने क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस साल के फाइनल अकाउंट में एक स्टेटमेंट और बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अलावा एक और बनेगा जिसका नाम है, ये देखिए, जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, ये दोनों अलग अलग अकाउंट है। एग्जाम में आप दोनों में से एक ही बनाएंगे, या तो पार्टनर्स कैपिटल बनेगा या पार्टनर्स करंट बनेगा, दोनों नहीं बना सकते। और जो भी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाएंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, वो बनेगा एज अ वर्किंग नोट्स, क्योंकि आपको पूछा नहीं जाएगा, आप उसको वर्किंग नोट में डाल के समझाएंगे, ठीक है? तो पहले पार्टनर्स कैपिटल और करंट के बारे में हमेशा की तरह 5 स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको लुक बताता हूं दोनों दिखते कैसे, ठीक है? सो 5 स्मार्ट पॉइंट्स अबाउट पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। देखिए हर बार की तरह पहला पॉइंट है हमारा रिलेशन। ये जो अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट, उसका रिलेशन किससे? उसका रिलेशन है अमाउंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। हम लोग ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं किसका बनाते हैं? फर्म का। तो फर्म ये जानना चाहती है कि मुझे पार्टनर्स को कितना पैसा देना है या पार्टनर्स से कितना पैसा लेना है। यानी अगर फर्म को और बिजनेस को ये जानना है कि व्हाट अमाउंट इज पेबल टू द पार्टनर एंड व्हाट अमाउंट इज रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर, तो वो जानने के लिए ये अकाउंट बनता है। सो इट इज रिलेटेड टू अमाउंट, इट इज रिलेटेड विद अमाउंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। कीप इन माइंड रिलेशन किससे? अमाउंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। सेकेंड पर्पज, पर्पज है हम क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि हम जान सके कि ये फाइनल अकाउंट जब बनता है 31 मार्च को साल के एंड में, तो फाइनल बैलेंस पार्टनर से कितना लेना है या कितना देना है। सो हाउ मच क्लोजिंग बैलेंस, हाउ मच क्लोजिंग बैलेंस इज अपियरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के एंड में कुछ पैसा ऐसा हो सकता है जो हमें पार्टनर्स को देना है या कुछ पैसा ऐसा हो सकता है जो पार्टनर से लेना है। तो इससे हमको पता चलता है साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर। सो वी वॉन्ट टू नो, ओपनिंग बैलेंस विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम बट वी वॉन्ट टू नो द क्लोजिंग बैलेंस। साल के पहले दिन पार्टनर्स का कैपिटल था 1 लाख 1 लाख, लेकिन साल के एंड में हो गया 2 लाख 2 लाख, तो बढ़ गया ना, तो 2 लाख 2 लाख कैसे आया, वो जानने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। के पार्टनर्स कैपिटल है तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और करंट है तो करंट का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ओपनिंग बैलेंस विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, वी नीड टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस। सो पर्पज टू फाइंड आउट क्लोजिंग बैलेंस। तीसरा अकाउंट कौन सा है? तीसरा 5 पॉइंट जो हमारे हमेशा के फिक्स है उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अकाउंट कौन सा है? तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट कौन सा है? पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल और करंट कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि उसका रिलेशन किससे? पार्टनर से। और पार्टनर्स कौन है? ह्यूमन बीइंग है ना, तो ह्यूमन बीइंग या पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। एंड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है क्या? यस, ये भी एक स्टेटमेंट है, इट इज एन अकाउंट एज वेल एज स्टेटमेंट। ये हमको बताता है पोजीशन, ये अकाउंट हमको बताता है कि पार्टनर्स की पोजीशन क्या है, बिजनेस में पार्टनर्स की पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है। अगर बिजनेस में ज्यादा कैपिटल बैलेंस आएगा तो पार्टनर्स की पोजीशन स्ट्रांग, और कैपिटल कम होगा ड्रॉइंग ज्यादा होगा, या कैपिटल या करंट माइनस में आएगा डेबिट में आएगा तो पार्टनर्स की पोजीशन वीक। सो वी नीड टू नो द पोजीशन ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स की पोजीशन जानने के लिए हम लोग ये अकाउंट बनाते हैं। सो व्हाट इज, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? दिस इज पोजीशन स्टेटमेंट। समझ में आया? किससे रिलेटेड है ये? पार्टनर्स से रिलेटेड, अमाउंट से रिलेटेड है। पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट कौन सा? पर्सनल अकाउंट। और क्या ये स्टेटमेंट है जो कि क्या बताता है? पोजीशन बताता है पार्टनर्स की। सो इट इज एन अकाउंट एज वेल एज स्टेटमेंट, यू कैन सी द प्लस साइन। लास्ट
ये जो अकाउंट बनेगा उसमें डेबिट साइड पे क्या आएगा और क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? अभी तो मैंने कहा पर्पस क्या है कि कितना पैसा पार्टनर से लेना है और कितना पैसा पार्टनर को देना है। तो डेबिट साइड पे लिखा है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर। जब आप ये अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पे ये पता चलेगा कि हमें पार्टनर से कितना पैसा लेना है और क्रेडिट साइड पे पता चलेगा कि पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। सो सी डेबिट साइड शोज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स बाय द फर्म। मैं फर्म हूं और आप पार्टनर है तो फर्म को पार्टनर से कितना पैसा लेना है ये पता चलेगा डेबिट साइड पे और फर्म को पार्टनर्स को कितने पैसे देने हैं ये पता चलेगा क्रेडिट साइड पे। बाकी ये फॉर्मेट्स में आपको सब क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, सो कीप इन माइंड दिस 5 पॉइंट्स। वंस अगेन इट इज रिलेटेड विद अमाउंट रिलेटेड टू पार्टनर्स। सेकंड पर्पस है टू फाइंड आउट द कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग का बैलेंस दिया होगा। तीसरा अकाउंट है कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। और चौथा स्टेटमेंट है जो पार्टनर्स की पोजीशन बताता है। और पांचवा डेबिट साइड पे हम लोग बताते हैं अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स, पार्टनर से कितना पैसा लेना है, एंड क्रेडिट साइड शोज अमाउंट पेबल टू पार्टनर, पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। ठीक है, अब माइंड में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कई बच्चों को ये अक्सर कंफ्यूजन रहता है, प्रॉब्लम सामने है, व्हाट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। तो जब मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा फाइनल अकाउंट्स के, तो मुझे ये तो पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं या पार्टनर्स करंट। तो वो मैं आपको पूरा आराम से रिलैक्स होकर सिखाने जा रहा हूं। प्लीज पे अटेंशन कि मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं या पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके आधार पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड्स। अगर आप बोर्ड पे देखें ध्यान से, दो मेथड्स लिखे हैं यहां पे, देखिए। मेथड नंबर वन का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, मेथड नंबर टू का नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इस तरह से ये दो मेथड्स हैं। एक मेथड फर्स्ट मेथड का नाम, किसी को भी आप पहले सीखे फर्क नहीं पड़ता, आप पहले फिक्स बाद में फ्लक्चुएटिंग, उससे कोई। आसान मेथड में आपको पहले सिखा देता हूं जिसका नाम है, शुरुआत करते हैं पहला मेथड। सी यू कैन सी द नेम, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? जो बदल जाता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब चेंजेबल, फ्लेक्सिबल। साल के पहले दिन कैपिटल कुछ और था और साल के एंड में कैपिटल कुछ और है, इसलिए कहते हैं कि कैपिटल इज फ्लक्चुएटेड। साल के पहले दिन कैपिटल 1 लाख था और साल के एंड में कैपिटल 2 लाख हो गया, या साल के पहले दिन कैपिटल 1 लाख था और साल के एंड में कैपिटल 80,000 हो गया। तो कैपिटल पहले से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जब कैपिटल बैलेंस पहले से ज्यादा या कम हो जाता है, इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटेड कैपिटल। इसलिए पहला मेथड ध्यान से देखना, फर्स्ट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये मेथड जब आपको एग्जाम में आएगा तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो, दो चीजें देखनी है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन को देखना है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। आपको ट्रायल बैलेंस को देख के ही पता चल जाएगा, ट्रायल बैलेंस को देख के पता चल जाएगा कि मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है या करंट अकाउंट। कैसे? मैं आपको हिंट देता हूं, ध्यान देना। मान लीजिए एक प्रॉब्लम आपके सामने है, ये एक बनावटी प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखा है जिसमें मैंने बनाया ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस आपके सामने होगा तो ट्रायल बैलेंस पर डेबिट साइड पे आपको एक आइटम ढूंढनी है ड्रॉइंग्स, और क्रेडिट साइड पे देखना है कैपिटल। देखिए, इस ट्रायल बैलेंस में आपको पार्टनर से रिलेटेड डेबिट साइड पे क्या दिख रहा है? ड्रॉइंग्स। दो पार्टनर्स है, ए और बी, और दोनों ने ड्रॉइंग किया है। कितने का? 28,000 ईच, 28,000 का ड्रॉइंग किया। और क्रेडिट साइड पे दोनों का कैपिटल है, कितना है? 1 लाख 1 लाख। अमाउंट जो भी प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे, ये एग्जाम्पल है। ये जो ट्रायल बैलेंस है, क्या इसमें आपको डेबिट साइड या क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट दिख रहा है? नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में हमको डेबिट साइड पे ड्रॉइंग दिख रहा है, क्रेडिट साइड पे कैपिटल दिख रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी करंट नहीं दिख रहा है, करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है। ये जो मैंने डैश है, ये क्रॉस किया हुआ है, ये सब बाकी के आइटम, फिलहाल उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। जस्ट फोकस ऑन द टू आइटम्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड पे व्हाट वी सी ड्रॉइंग्स, एंड क्रेडिट साइड पे व्हाट वी सी, व्हाट डू वी सी? कैपिटल। वी डोंट सी करंट अकाउंट हियर। क्या क्वेश्चन में यहां पर करंट अकाउंट दिख रहा है? दिख रहा है, बोलो जल्दी। नहीं। तो जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है तो फिर आंसर में भी करंट अकाउंट बन ही नहीं सकता। तो पहला हिंट है कि जब ट्रायल बैलेंस देखोगे और उस ट्रायल बैलेंस में आपको सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिखता है ड्रॉइंग के साथ, ड्रॉइंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सिर्फ क्या दिख रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं दिख रहा है। तो आंसर में, ये देखिए अब आंसर की बात करते हैं, आंसर में आप क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आंसर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनेगा? जब क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? कैपिटल। ठीक है, तो इस मेथड का नाम क्या है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और ये रहा फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी बनेगा वो एज अ वर्किंग नोट बनेगा। अब ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना,
यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है इसका फॉर्मेट समझ लो, एक एक चीज डिटेल में बताऊ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनेगा आंसर में तो उस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब यूज करेंगे तो उसमें करंट अकाउंट होगा ही नहीं। कीप इन माइंड करंट अकाउंट होगा ही नहीं, एक ही अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट? फिर से कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो दिखेगा कैसे? देखिए वो ऐसा दिखेगा, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें लेफ्ट साइड आप लोग के साइड से डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम होगी बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। ये जो बैलेंस दिख रहा है ना कैपिटल ए और बी का, कितना है? 1,01,000। तो हमेशा डेबिट साइड फर्स्ट आइटम विल बी ओपनिंग बैलेंस, इट विल बी रिटन एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो कैपिटल होता है वो ज्यादातर क्रेडिट होता है, कैपिटल शोज क्रेडिट बैलेंस जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली इट शोज क्रेडिट बैलेंस। देखो क्रेडिट साइड पे लिखा है, क्वेश्चन में भी कहा दिया था क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पे फर्स्ट आइटम क्या होगी? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए और बी दो पार्टनर्स है, दोनों का बैलेंस कितना है? 1,01,000। और डेबिट साइड पे फर्स्ट आइटम होगी ड्रॉइंग्स। देखिए ये रहा ड्रॉइंग्स, दोनों का ड्रॉइंग कितना है? 28,28,28 लिख दिया। तो ये पहले याद रखिए कि जब आप ड्रॉ करोगे तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा? बाय बैलेंस गोट डाउन। और डेबिट साइड पे क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। हो सकता है कि प्रॉब्लम में ड्रॉइंग नहीं दिया हो तो यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स मत लिखो, लेकिन बैलेंस तो रहेगा, बैलेंस के बिना तो प्रॉब्लम हो नहीं सकता, कैपिटल के बिना तो बिजनेस हो नहीं सकता, राइट? क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम बाय बैलेंस गोट डाउन, डेबिट साइड फर्स्ट आइटम टू ड्रॉइंग्स। इतना ये दो आइटम्स अगर आप समझ गए कि डेबिट साइड पे टू ड्रॉइंग्स और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद अब आपको ये समझना है कि क्रेडिट साइड पे और ये सब क्या है और डेबिट साइड पे ये सब क्या है। एक बात ध्यान रखें, अगर आप कैपिटल को जितना क्रेडिट देंगे, कैपिटल खुद क्रेडिट होता है, उसमें जितना क्रेडिट दोगे और कैपिटल बढ़ेगा। तो ये जो क्रेडिट साइड पे आपको जो जो दिख रही है आइटम्स, ये सब वो चीजें हैं जो कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएंगे। So these are the items to be added to the capital. Capital credit होता है, उसमें और कुछ credit दे दो तो capital और बढ़ जाएगा, है कि नहीं? So credit side पे balance के नीचे जो जो लिखा है ना, ये सब क्या करेंगे? Capital को बढ़ाएंगे। और debit side पे जो जो लिखा है ना, ये सब capital को कम करता है। So जितना capital को credit दोगे capital बढ़ेगा, और debit दोगे capital कम हो जाएगा। तो इस वजह से इसको fluctuating कहते हैं। एक बात सब लोग यहाँ पे माइंड में फिक्स कर लीजिए कि साल के पहले दिन दोनों पार्टनर्स का कैपिटल कितना था, फॉर एग्जांपल 1,01,000, और अब हम पता लगाएंगे कि साल के एंड में कितना है। यही तो हमारा पर्पस है, साल के एंड में कितना है अभी पता चलेगा, ध्यान दो। तो ये फॉर्मेट में याद रखिए कि ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद कौन कौन सी चीजें उसमें ऐड हो सकती है, क्या क्या ऐड होने वाली चीजें वो उसके नीचे रखा जाएगा, बाय बाय करके लिखना है। सबसे पहले है बाय कैश और बाय एसेट। हो सकता है पार्टनर्स साल के बीच में और पैसा बिजनेस में डाले, पहले दिन कितना था कैपिटल दोनों का? 1,01,000। हो सकता है पहले दिन के एक आध या दो तीन महीने बाद या शायद फर्स्ट डे इस साल पार्टनर से बिजनेस में और पैसा डाला। देखिए ए और बी ने बिजनेस में और पैसा डाला, क्या लिखा है? बाय कैश, या असेट भी डाल सकते हैं आप बिजनेस के अंदर, कैश के अलावा असेट भी डाल सकते हैं। ए के पास कैश है, बी के पास कार है, तो उसने कार डाली। तो साल के बीच में या साल के पहले दिन और पैसा बिजनेस में डालोगे, इट इज कॉल्ड फर्दर कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। तो सबसे ऊपर ओपनिंग बैलेंस, उसके नीचे ये क्या आ गया? एडिशनल कैपिटल, और पैसा डाला। 1,01,000 था और दोनों ने कितना डाला पैसा? 50-50। तो अब दोनों का कैपिटल कितना हो गया? बोलिए कितना हो गया? 1,50,000। कैलकुलेट करते जाइए माइंड में, जैसे जैसे मैं क्रेडिट में लिख रहा हूँ कैपिटल बढ़ते जाएगा। 1,01,000 में 50 और 30, एक ने 50 डाला दूसरे ने 30, तो ए का कैपिटल कितना हो गया? 1,50,000, और बी का कितना हो गया? 1,30,000। अब ये जो कैपिटल है ये आपने 11th में सीखा है FIGC में, कि जो जो कैपिटल ओनर बिजनेस में डालता है, बिजनेस उस कैपिटल पे उसको क्या देता है? इंटरेस्ट। तो देखिए उसमें और क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोग अस्यूम कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज हमको प्रॉब्लम में दिया है 10%। लेट्स अस्यूम, अभी मैंने ऊपर आपको बताया दोनों का कैपिटल कितना हो गया, ए का कितना हो गया 1,50,000 ऐड किया, बी का कितना हो गया 1,30,000। तो अब 1,50,000 और 1,30,000 दोनों पे हम क्या देंगे? 10% इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो 1,50,000 का 10% 15,000, 1,30,000 का 13,000। परसेंटेज अमाउंट प्रॉब्लम में अलग आएगा, वो हम देख लेंगे। ये सिर्फ एग्जांपल है, प्लीज पे अटेंशन, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो देखिए और बढ़िया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैपिटल को बढ़ाता है। कैपिटल को बढ़ाने वाली चीजों में पहले फर्दर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। FIGC में आपने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ा था, उसमें एक एक्टिव पार्टनर होता है जो फर्म में ज्यादा काम करता है दूसरों से, तो फर्म उसको क्या दे सकती है? सैलरी। मान लीजिए फर्म ने तय किया कि ए को सैलरी दी जाए, तो देखो ए की सैलरी तय हो गई 25,000, तो ए के अकाउंट में ऐड हो गया। बी को सैलरी नहीं मिल रही है, लेकिन बी एक अच्छा सेल्समैन है, तो फर्म बी को क्या दे सकती है? कमीशन। देखिए बाय कमीशन, इसको कमीशन मिला 7,000। वो कमीशन का अमाउंट कैसे ढूंढना है हम देखेंगे प्रॉब्लम में, डोंट वरी। अमाउंट एक्चुअल कैसे आएगा हम प्रॉब्लम में देख लेंगे, डोंट वरी। अभी फॉर्मेट याद कीजिए, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके नीचे
और अगर पैसा डाला बाय कैश या असेट तो वो लिखो, लेकिन ये नहीं होगा, ये शायद ही होगा जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना उसमें बाय कैश या असेट और पैसा डालते हैं ऐसा एडजस्टमेंट अगर आया तो ही होगा, लेकिन ये सब ज्यादातर रहते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, और क्या ऐड होगा, सैलरी ऐड होगी, और क्या ऐड होगा, कमीशन, इन सबको ऐड करने के लिए हम किस तरफ लिख रहे हैं, देखिए क्रेडिट साइड, जितना क्रेडिट साइड पे लिखोगे कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, जितना क्रेडिट दोगे कैपिटल बढ़ेगा, जितना डेबिट दोगे कैपिटल कम हो जाएगा। और फर्म ने अगर किसी पार्टनर से लोन लिया है, तो उस लोन पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। बाहर वालों से लोन लेते हैं इंटरेस्ट देते कि नहीं, बोलो हाँ। तो फिर फर्म ने अगर पार्टनर से लोन लिया है तो उसमें भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। देखिए नेक्स्ट और क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो फर्म ने दोनों से लोन लिया और दोनों को इंटरेस्ट देना है 10,000। अरे समझ में, कैपिटल बढ़ते ही जा रहा है। और सबसे आखिर में देखिए, इस वीडियो के पहले हमने किसका फॉर्मेट सीखा था, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो डेबिट साइड जो बैलेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। वो जो नेट प्रॉफिट है, मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो पार्टनर शेयर करते हैं। किसमें शेयर करते हैं, पीएसआर में। वो जो नेट प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, वो यहां पे आ गया, देखिए बाय नेट प्रॉफिट। तो सबसे लास्ट में मैंने क्या ऐड किया है, नेट प्रॉफिट, जो हमको कहां से मिला होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करके। और वो नेट प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स ने शेयर किया है पीएसआर में। यहां पे मैंने अज्यूम किया कि दोनों का रेशियो आधा आधा है, 1:1, इसलिए दोनों का प्रॉफिट भी सेम है, देखिए 30 एंड 30। सब में तो कैपिटल अकाउंट है ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पहचानोगे कैसे, ट्रायल बैलेंस को देखिए। अगर ट्रायल बैलेंस में कैपिटल ही दिख रहा है, करंट नहीं दिख रहा है, तो करंट बन ही नहीं सकता। क्या बनेगा, खाली पार्टनर्स कैपिटल। और ये इसका क्रेडिट साइड, जिसमें सबसे पहले बैलेंस वोट डाउन, और अगर और पैसा डालो तो वो ऐड करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो, किसी को सैलरी दी, किसी को कमीशन दिया, किसी से लोन लिया उसका इंटरेस्ट, और सबसे आखिर में प्रॉफिट, ये सब इसमें ऐड करेंगे। देखिए कैपिटल कितना हो गया दोनों का, 2,30,000 और 1,90,000, कैपिटल बढ़ गया कि नहीं। लेकिन जिस तरह से पार्टनर्स को पैसे देने हैं, उस तरह से पार्टनर से पैसे लेने का भी तो निकलता है। अभी मैंने कहा देखिए यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या है, अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, तो ये अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स हो गया। अब हमको जानना है कि अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स क्या है, तो डेबिट साइड क्या बताता है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स। अब आता है डेबिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा बड़ा नहीं है, क्रेडिट साइड पे आइटम ज्यादा है, डेबिट साइड पे कम है। डेबिट साइड में देखिए क्या क्या है, ड्रॉइंग्स है सबसे पहले। ड्रॉइंग आपने सीखा होगा कैपिटल में से लेस होता है, तो ड्रॉइंग को डेबिट दे दिया हमने। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है तो ड्रॉइंग पे क्या होगा, क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखिए इन दोनों ने ड्रॉइंग किया ना, तो इनके पास से फॉर्म ने क्या लिया, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट लिया, 2,000। उसका अमाउंट कैसे आया, परसेंटेज क्या है, वो हम देखेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी एक फॉर्मेट के तौर पे समझिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट साइड पे आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को बढ़ाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कम करता है। और एक और चीज लास्ट आखिर में, डेबिट साइड जो यहां पे मैंने डैश किया है, और वो है नेट लॉस। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम में या तो नेट प्रॉफिट आ सकता है या नेट लॉस। हमने यहां पे अज्यूम किया ना, देखिए हमने यहां पे क्या अज्यूम किया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर अज्यूम किया तो मैं यहां नेट लॉस कैसे लिख सकता हूं, अगर यहां नेट लॉस लिखूंगा तो फिर मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा। सो देयर विल बी एनी ऑफ द टू, आइदर नेट प्रॉफिट विल बी देयर और नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट आ गया, इसलिए मैंने नेट लॉस लिखा है, लेकिन अमाउंट डैश। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं जो कैपिटल को बढ़ाती है, और ये सब चीजें कैपिटल को कम करती है। और इस तरह से ये सबका टोटल किया हमने, कितना है देखिए, 2,30,000, 1,90,000, और इनको यहां पे लिखा। जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज्यादा है, जिस साइड का टोटल हैवियर होता है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं। डेबिट साइड इज हैवियर, क्रेडिट साइड 2,30,000, 1,90,000 यहां लिख दिया, और उसमें से डेबिट साइड का जो भी अमाउंट है माइनस किया। डेबिट साइड में देखिए 28+2 कितना हो गया, 30, 28+2 कितना हो गया, 30। तो इस टोटल में से ये 30,000 लेस करो, 2,30,000 - 30 = 2,00,000 and 1,90,000 - 30 = 1,60,000। तो फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है, प्लीज पे अटेंशन, फाइनल बैलेंस कितना आ रहा है, देखिए इसका आ रहा है 2,00,000, इसका आ रहा है 1,60,000। So what is the closing capital of A? I'm asking you, my dear students, what is the closing capital of A? 2,00,000. And what is the closing capital of B? 1,60,000. Opening capital कितना था? ये रहा question में दिया था। Opening capital था 1,00,000, 1,00,000, और वो हमने यहाँ लिखा था buy balance wrote down 1,00,000, 1,00,000। लेकिन क्या closing capital भी 1,00,000, 1,00,000 है क्या? नहीं, closing capital है 2,00,000 और 1,60,000। तो capital fixed है कि fluctuating है, आप लोग समझ गए होंगे। फ्लक्चुएटिंग, बदल गया, साल के पहले दिन कैपिटल कुछ और था और साल के एंड में कुछ और।
ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने कैपिटल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, लेस कर दी, इसलिए कैपिटल चेंज हो गया। तो वो मेथड जिसमें पार्टनर से रिलेटेड सारे अमाउंट कैपिटल में ही ऐड किए जाते हैं और कैपिटल में ही लेस किए जाते हैं, जिसमें करंट अकाउंट नहीं बनता, उस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और ये जो बैलेंस है ना लास्ट में, वो कहां जाएगा? देखिए मैंने एरो करके, जब आप ड्रॉ करोगे आंसर सॉल्व करोगे तो उसमें आप लास्ट में क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। ये जो बाय सॉरी टू बैलेंस कैरेट डाउन है, 2 लाख 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख 60, ये जाएगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर सबसे ऊपर, सी द फर्स्ट आइटम कैपिटल ए एंड बी। ये 2 लाख इधर आ गया, 1 लाख 60 इधर आ गया। इसके नीचे और भी लाइबिलिटीज और इस तरफ और भी एसेट्स, वो अगले वीडियो में सीखने वाले हम लोग। अगला वीडियो जो बनेगा वो होगा बैलेंस शीट का, ठीक है? टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें होगी, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या है, वो सब बिखरा हुआ है। मैंने उसको कंपाइल करके कॉम्पैक्ट वे में आपको समझा दिया। टेक्स्ट बुक में आप 4-5 पेजेस पढ़ोगे, वो सबका मटेरियल एक में ही दे दिया। इसलिए अगर इससे रिलेटेड बातें टेक्स्ट बुक में ढूंढने नहीं बैठोगे आप, चलेगा। इस वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, प्लीज पे अटेंशन। तो इसका बैलेंस कहां गया? बैलेंस शीट। ये एक मेथड कंप्लीट हुआ हमारा, इस मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये बात सबको समझ में आ गई? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं होगा। और कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन में करंट नहीं है तो फिर कैपिटल करंट बनेगा, नहीं सिर्फ कैपिटल बनेगा, और ये कैपिटल का फॉर्मेट हो गया। सेकेंड मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा एक पॉज लेके, मैं खुद भी पॉज लूंगा, हालांकि वीडियो में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि एक पॉज ले लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए, और एक बार अब तक ये मैंने जितना भी बताया खास करके ये फ्लक्चुएटिंग, उसको रिवाइंड करके ध्यान से देख लीजिए पूरा। एक मेथड माइंड में फिक्स कर लीजिए, आपको समझ में आ गया, फिर सेकेंड मेथड में शुरू करता हूं। आज के वीडियो में ही आएगा, थोड़ा पॉज लेके, ठीक है? इसको ध्यान से देख लीजिए, पॉज ले लो, थोड़ा ब्रेक ले लो, रिवाइंड करके देख लो, और फिर मैं आपको बताता हूं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्या होता है। देख लिया रिवाइंड करके? पक्का? ठीक है, मेरे को भरोसा है, पूरा भरोसा है, डोंट वरी। एक बार रिवाइंड करके देखने के बाद जब ये दोबारा दूसरा मेथड देखोगे तो और भी बेटर और डिटेल में समझ आएगा, ठीक है? एक मेथड हो गया, क्या नाम था उसका? रिवाइंड करके देखा अभी आपने, क्या नाम था उसका? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनता है। दूसरे मेथड पे आते हैं, देखिए मेथड नंबर 2, इसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इस मेथड के लिए भी आपको क्वेश्चन को देखना है, आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे कैपिटल बनाना है, करंट बनाना है? किसको देख के पता चलेगा? एक बार फिर से, किसको देख के पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस को। देखिए ये ट्रायल बैलेंस है, फिर से अब देखिए थोड़ा चेंज, पिछले मेथड से चेंज। पिछले मेथड में डेबिट साइड पे ड्राइंग था और क्रेडिट साइड पे कैपिटल, बस ये 2 ही आइटम थे। अब देखिए डेबिट साइड पे ड्राइंग है और क्रेडिट साइड पे कैपिटल है, और ड्राइंग और कैपिटल के अलावा दोनों तरफ करंट अकाउंट भी है। देखिए एक तरफ करंट अकाउंट है डेबिट साइड पे, जिसमें ए का अमाउंट है 10,000, बी का नहीं है। दूसरी तरफ क्रेडिट साइड पे करंट अकाउंट में ए का नहीं है और बी का अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दोनों में से किसी भी तरफ हो सकता है, डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। पहली बात ध्यान रखें कि करंट अकाउंट कैन शो आइधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल तो क्रेडिट में ही है, देखिए क्योंकि ज्यादातर कैपिटल क्रेडिट में ही होता है, लेकिन करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, हो सकता है ए और बी दोनों डेबिट हो सकता है ए और बी दोनों क्रेडिट हो। मैंने यहाँ पे दोनों को डेबिट क्रेडिट में अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो करंट अकाउंट है ए का 10,000 डेबिट साइड पे और बी का 20,000 क्रेडिट साइड पे। अब इस तरह का जब प्रॉब्लम आपके सामने आएगा जिसमें आपको कैपिटल के अलावा करंट अकाउंट भी दिया होगा, तब माय डियर स्टूडेंट्स, तब आंसर में आप बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो क्या बनेगा, फिर से पार्टनर्स करंट अकाउंट, और वो भी बनेगा एज अ वर्किंग नोट। अब यहां पे दिमाग में फिर से एक सवाल खड़ा हो गया कि अभी तो सर ने पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिया, तो फिर ये कैपिटल कहां जाएगा? अब पिछले मेथड में कैपिटल था तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और उसमें हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन यहां तो करंट अकाउंट बनाया। अब जब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा तो इस करंट अकाउंट में ये कैपिटल ए और बी का 1 लाख 1 लाख जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट नहीं है, ये कौन सा अकाउंट है? करंट अकाउंट। तो कैपिटल को कहां भेज देंगे हम? कैपिटल को सीधा यहां पर भेज देंगे। ये जो 1 लाख 1 लाख है सीधा बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल ए और बी कितना लिखा मैंने, 1 लाख 1 लाख। इसमें कुछ ऐड किया है? नहीं। इसमें कुछ लेस किया है? नहीं। एज इट इज है ना, वो 1 लाख 1 लाख
उसमें कोई चेंज आया है नहीं, इसलिए इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल। तो जब ट्रायल बैलेंस में कैपिटल और करंट दोनों दिए होंगे तो कैपिटल को सीधा भेज दो कहां पे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे, फर्स्ट आइटम कैपिटल ए और बी, वन लाख लिखा है 2 लाख, ना इसमें कुछ ऐड होगा ना उसमें कुछ लेस होगा, क्योंकि जो भी एडलेस करना है वो कौन सा अकाउंट में एडलेस होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस मेथड में क्या था, फ्लक्चुएटिंग में जो भी एडलेस हुआ था कहां पे ऐड हुआ था, पार्टनर्स कैपिटल में, करंट अकाउंट तो था ही नहीं उसमें। लेकिन इस मेथड में जिसमें कैपिटल और करंट दोनों है उसमें कैपिटल को भेज दो सीधा, फिर से एक बार सीधा कहां भेजो, लायबिलिटी साइड फर्स्ट आइटम, उसमें ना कुछ ऐड करो लेस करो, सीधा इनर में दोनों का अमाउंट लेके आउटर में टोटल भेज दो, और जो भी एडलेस होने वाली आइटम है उसके लिए अलग से अकाउंट बनाओ, क्या नाम है उसका, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसी कारण से इस मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि इस मेथड में कैपिटल फिक्स रहता है ना, उसमें कुछ ऐड होता है ना उसमें कुछ लेस, तो फिर क्या बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जब पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा, देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट तो उसमें डेबिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब देखिए तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका था, ये देखिए बी का कितना है 20,000, और डेबिट साइड पे किसका करंट अकाउंट है, ए का कितना है 10,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जिसका डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड पे लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका क्रेडिट है वो क्रेडिट साइड पे लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का डेबिट है तो दोनों का डेबिट साइड लिखो, दोनों का क्रेडिट है तो दोनों का क्रेडिट साइड लिखो, एक का डेबिट है तो जिसका डेबिट है डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट है क्रेडिट में लिखो। डेबिट साइड किससे शुरू होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड किससे शुरू होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्योंकि अभी तो मैंने कहा कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन करंट का भरोसा नहीं, कभी डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है। और क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन मतलब ट्रायल बैलेंस को देख लेना, अगर ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट डेबिट साइड पे है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख लो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लिख लो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना डरने की क्या बात है, चिंता की कोई बात नहीं, क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इधर, उसके बाद पिछले मेथड की तरह अब आपको यह समझना है कि इस करंट अकाउंट में क्या क्या ऐड होगा और करंट अकाउंट में क्या क्या लेस होगा। लगभग आप देखेंगे तो वो सारी चीजें जो इस मेथड में मैंने लिखी थी वो फिर से यहां पे आ रही है, सिर्फ एक चीज नहीं है यहां पे, फर्दर कैपिटल। ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल सीधा कहां चला गया, बैलेंस शीट, इसलिए ये कैपिटल फिक्स हो गया। अब उस कैपिटल के अंदर और पैसा डालिए हम कैपिटल को चेंज कर सकते क्या, नहीं, इसलिए इसमें ये नहीं है। देखिए जो फ्लक्चुएटिंग में बाय कैश बैंक था वो यहाँ पे बाय कैश बैंक नहीं है, मतलब फर्दर कैपिटल यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि फर्दर कैपिटल नहीं है, कैपिटल को सीधा कहां भेज दिया, कहां भेज दिया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और अब जो भी हम ऐड करेंगे एडलेस करेंगे वो किसमें एडलेस होने वाला है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और जो जो चीजें कैपिटल को बढ़ाने वाली थी वो अब किसको बढ़ाएगी, करंट अकाउंट को, करंट अकाउंट को बढ़ाने वाली चीजें जो वहां पे लिखी थी वो यहां पर भी लिखी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो दिख रहा है आपको 10,000, ये 10% ऑफ 1 लाख 1 लाख है। आपने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका परसेंटेज होता है, कैपिटल का, लेकिन अभी हमने लिखा किधर है उसको, करंट अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो गया, करंट अकाउंट बैलेंस बढ़ गया, सैलरी दी थी अभी ए को वो भी ऐड हो गई, कमीशन दिया बी को, इंटरेस्ट ऑन लोन और नेट प्रॉफिट। यानी जो जो चीजें आप देखिए सिर्फ इसको छोड़ के, इस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में ये आइटम को छोड़ के, क्योंकि और पैसा बिजनेस में हम यहां नहीं डाल सकते, इसको छोड़ के जो भी चीजें थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड नेट प्रॉफिट, वो सबका सब इधर आ गया। इट मींस के फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो जो आइटम्स ऐड करनी है वो कैपिटल में ऐड मत कीजिए, आप कहां पे ऐड कीजिए, करंट में। देखिए करंट में ऐड हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यहां तक कि नेट प्रॉफिट, ये सब ऐड हो गया। और इन सबको ऐड करने के बाद करंट अकाउंट का टोटल कितना हो गया, देखिए फिर से 75,000 और 77,000। और इस तरफ लेस भी वही चीजें होगी जो इस फर्स्ट मेथड में थी। फर्स्ट मेथड में देखिए अभी मैंने बताया क्या क्या लेस होता है, कैपिटल में से ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस अगर दिया तो, वही चीज यहां पर आगे देखिए ड्रॉइंग आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड नेट लॉस। लेकिन फर्स्ट मेथड में जिसका नाम था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सारी चीजें किसमें एडलेस हुई थी, कैपिटल में। सेकेंड मेथड जिसका नाम है फिक्स कैपिटल, ये सारी चीजें कहां पे एडलेस हो रही है, करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में से क्या क्या लेस होता है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और नेट लॉस। नेट लॉस हमने अज्यूम किया कि नहीं है, नेट प्रॉफिट अज्यूम किया इसलिए नेट लॉस नहीं लिखा, सिंपल राइट। तो अब जो भी एडलेस किया हमने किसमें किया एडलेस, एक बार फिर से बताइए, कैपिटल में या करंट में, करंट बोले ना, करंट में ऐड हुआ, क्योंकि कैपिटल सीधा कहां चला गया,
बैलेंस शीट कैपिटल फिक्स्ड हो गया है ना, उसमें ना कुछ ऐड हुआ ना कुछ लेस हुआ, फिक्स्ड कैपिटल में थे तो हमने किसमें एडलेस किया, करंट में। और फाइनली इसका फिर से जब हम कास्टिंग करेंगे, क्लोजिंग करेंगे, देखिए करंट अकाउंट का टोटल क्रेडिट साइड इज हियर 75-77, मैंने यहां लिखा 75-77, उसमें से ये सब लेस किया। लेस करने के बाद करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 35,000 and 47,000। अब ये 35 और 47 ये भी नीचे जाएगा सीधा, देखिए किधर जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे करंट अकाउंट ए और बी का 35-47 जो हमको कहां से मिला, वर्किंग नोट नंबर 1 से। लेकिन करंट अकाउंट के बारे में अभी मैंने बात कही आपसे कि करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। जैसे ओपनिंग बैलेंस देखिए 2 बैलेंस वॉट डाउन था और यहाँ पे बाय बैलेंस वॉट डाउन था, वैसे ही क्लोजिंग में भी दोनों तरफ बैलेंस आ सकता है, डेबिट साइड भी आ सकता है, क्रेडिट साइड भी आ सकता है। यहाँ पर किस तरफ आया, डेबिट साइड आया, ये डेबिट साइड का है। डेबिट साइड पे जो आता है वो कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। 35 and 47 मैंने किधर ट्रांसफर किया, लाइबिलिटी। लेकिन अज्यूम करो कि अगर डेबिट साइड अवेयर होती तो, मान लो डेबिट साइड अवेयर होती तो बैलेंस इधर आता, देखिए ध्यान से बैलेंस इधर आता, किस तरफ, क्रेडिट साइड। तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरी डाउन। इस तरफ क्या लिखा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो कहां पे गया है, लाइबिलिटीज। लेकिन अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता, क्रेडिट साइड पे बैलेंस आता, तो हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे फिलहाल नहीं है क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट साइड पे नहीं आ सकता, इसलिए मैंने डैश किया। और वो बैलेंस कहां जाएगा, असेट्स में, देखिए वो असेट्स। तो याद रखिए कि डेबिट साइड का बैलेंस आएगा लाइबिलिटीज और क्रेडिट साइड का बैलेंस आएगा असेट्स। ये करंट अकाउंट है जो बनेगा फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, और कैपिटल सीधा जाएगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, उसमें ना कुछ ऐड होगा ना कुछ लेस होगा। पूरी कोशिश की है मैंने ईमानदारी से, मेहनत से आपको ये दोनों मेथड्स डिटेल में समझाने की, फिर भी आप रिवाइंड करके टेक्स्ट बुक पास में रख के रिवाइंड कर करके ध्यान से पॉज ले लेके थोड़ा रुक रुक के उसको एक एक चीज को एक एक आइटम को ध्यान से सुन के ये दोनों मेथड सीख सकते हो पूरा, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हो गए, लेकिन एक बार फिर से जाने से पहले रिविजन तो बनता है, ठीक है, देख लीजिए। तो हमने पहले सीखा कि सबसे पहले आज हमने दो अकाउंट के बारे में सीखा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। एग्जाम में आपको दोनों में से एक ही बनाना है, और वो भी एज अ वर्किंग नोट, आपको पूछेंगे नहीं, याद दिलाओ आपको पूछेंगे नहीं, आप उसको बनाएंगे एज अ वर्किंग नोट। तो जब आप ये दो अकाउंट बनाएंगे तो उसको लेकर 5 स्मार्ट पॉइंट्स। पहला रिलेशन, रिलेशन किस है, रिलेशन है पार्टनर से रिलेटेड अमाउंट, पार्टनर्स को कितना पैसा देना है, उससे कितना लेना है। पर्पज क्या है, पर्पज ये है, देखिए अभी फर्स्ट मेथड में कैपिटल कितना आया था, 2,00,000 और 1,60,000, और करंट कितना आया था 35,47। ये जो हमने ढूंढा ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। अगर हम ये अकाउंट नहीं बनाते तो हमको ये क्लोजिंग बैलेंसेस मिलते, और ये क्लोजिंग बैलेंस कहां पे ट्रांसफर होता है, बैलेंस शीट। तो जब तक ये दो अकाउंट्स आप नहीं बनाओगे दोनों में से एक, आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज द पर्पस, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। अकाउंट कौन सा है, पर्सनल अकाउंट, और स्टेटमेंट कौन सा है, पोजीशन बताता है कि पार्टनर्स की पोजीशन स्ट्रांग है कि वीक है, और डेबिट साइड पे क्या बताया जाता है कि पार्टनर्स से कितना पैसा लेना है, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम पार्टनर्स। क्रेडिट साइड बताया जाता है कि पार्टनर्स को कितना पैसा देना है। और उसके ये दो मेथड्स है, दोनों में से एक ही आएगा। फर्स्ट मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें आपको आंसर में बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, उसमें करंट बन ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको करंट दिख नहीं रहा है, एक तरफ ड्रॉइंग है एक तरफ कैपिटल है, करंट है ही नहीं, तो आंसर में क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, और जो चीजें ऐड होगी या लेस होगी वो सब किसमें ऐड लेस होगी, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए आपका कैपिटल बदल जाएगा और कुछ और निकलेगा, जैसे यहाँ पे निकल रहा है 2,00,000 और 1,00,000, और उसको आप भेजेंगे सीधा लाइब्रेरी, इसलिए इसको कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। और सेकेंड मेथड है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड में फिर से क्वेश्चन को देखना है जिसमें आपको कैपिटल के साथ साथ क्या दिख रहा है, करंट। जब कैपिटल और करंट दोनों दिखाई दे ट्रायल बैलेंस में तो क्या बनाओ, करंट अकाउंट, और कैपिटल को भेज दो सीधा डायरेक्टली किधर, बैलेंस शीट में सीधा दोनों का टोटल लिख के आउटर में भेज दो, उसमें कुछ ऐड मत करो लेस मत करो। इसलिए कौन सा मेथड हो गया, वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जो भी चीजें ऐड लेस होगी कहां पे होगी, करंट अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड पे ऐड होगा डेबिट साइड पे माइनस होगा, और फिर जो भी फाइनल बैलेंस मिलेगा वो अगर डेबिट साइड पे आ रहा है तो उसको भेज दो लाइबिलिटीज में, और क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसको भेज दो असेट्स में। कीप इन माइंड कैपिटल और कैपिटल फाइनल अकाउंट्स के लिए एटलीस्ट याद रखिए कि कैपिटल विल शो क्रेडिट बैलेंस, बट करंट अकाउंट कैन शो आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। हर एक प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनने के बाद हमारा ये जो सीरीज है उसमें हमारा जो फाइनल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेट एक बार पूरा समझ लोगे ना तो उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा, आपको पता चलेगा कि ये चीज कहां जाती है, क्यों जाती है,
आधे कुछ अगर अधूरे सवाल आपके माइंड में है तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते दूर हो जाएंगे। एक साथ पूरा सब कुछ हम एक ही वीडियो में डाल के आपको सिखा नहीं सकते, इसलिए सीरीज वाइज, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमारी जो जर्नी है ये थोड़ी स्लो है लेकिन स्टडी है, डोंट वरी, धीरे धीरे आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि टफ से टफ प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो बनेगा बैलेंस शीट का, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, कीप योरसेल्फ फिट, कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू।